वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस ये देखिए, स्वेलिंग अभी भी है, ये दो तीन दिन लेगा और मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रूनी क्या कर रहा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7, मेरे हस्बैंड गए हैं आरव को छोड़ने क्योंकि आज उसका साइंस का एग्ज़ाम था, मैंने आपको बताया था, और तैयारी उसने कर ली। बाकी अब मार्क्स बताएंगे कितने मार्क्स आते हैं। तो ये देखिए हमारा ब्रूनी बेबी क्या कर रहा है। ये देखिए, ये ब्रूनी के अंदर कंचना की आत्मा आई हुई है और ये लगा हुआ अपनी मस्ती में। और इसके मैं खिलौने दिखाऊं, ये टिथर पड़ा है इसका, वो देखिए पानी की बॉटल, बर्तन का ढक्कन, सिराने, ये सारे इसके खिलौने जिनसे ये खेलता है। ये देखो आप, जो डॉग्स के पेट के जो टॉयज होते हैं उनके साथ नहीं खेलता, इसको करछियाँ और चम्मच और वो चाय पत्ती वाली छन्नी जो होती है वो चीज़ें चाहिए खेलने के लिए। और इसका पूरा मॉर्निंग गुड अच्छे से हुआ पड़ा है, ये देखिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेरे मन का डे है, मतलब मंडे है, तो मंडे के दिन सारा दिन आराम, बाहर का खाना, बाहर का तो मैं बहुत ही खाने लग गई, बहुत ज़्यादा ना, आई हैव टू कंट्रोल अ बिट। कल भी आपने देखा, चिकन नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज, कभी समोसे, कभी गोलगप्पे, कभी पराठे। तो बस थोड़ा टाइम में एक कुर्सी में पूरी नहीं आऊँगी मैं, जितना खाती हूँ ना थोड़ा सा कंट्रोल अप करना पड़ेगा। चलिए एनीवेज, अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए एक पटियाला कप चाय का, साथ में लूँगी एक कॉम्बी फ्लेम क्योंकि दर्द बहुत सीवियर हो रहा है वापस से। जब तक इस पेन किलर का असर रहता है, बोला जाता है जब इसका असर 6 घंटे 5 घंटे बाद ख़त्म होने लगता है, तो ये दर्द इतनी बुरी तरह छिड़ती है, आपको तो पता ही है, जब अक्लदाड़ आती है तो वो रुक रुक के आती है, तो ये पेन बहुत सीवियर हो जाता है। तो अभी सोया नहीं जाएगा मुझे इतनी दर्द की वजह से। मैं एक कप चाय लूँगी, फिर साथ में कॉम्बी फ्लेम और फिर निन्नी, और फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद, मतलब 10:15 बजे तक उठते हुए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मेरे हस्बैंड बेटी को छोड़ आए हैं, ब्रूनो भी उठ गया और हम लोग करने लगे नाश्ता, और मेरा फेवरेट बेड में पूड़ी का नाश्ता। और मैं अब बड़े धीरे 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 ना मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू की सब्जी के अंदर मैं डिप कर करके खाऊंगी पूरी पूड़ी को, ताकि मैं उसको अच्छे से चबा सकूं। और सूजन की वजह से, दर्द की वजह से खाना नहीं खाया जा रहा, लेकिन भूख तो बहुत लगती है। तो ये देखिए मेरी बेड़मी पूड़ी और आलू। गाइस ये देखिए, ये बेड़मी पूड़ी और आलू, ये देखिए इसको अब खाना दिख गया ना, पहले ये आपसे हाय हेलो कर रहा है, बोलो बोलो, हाँ गुड मॉर्निंग बोल रहा है, देखो आपको अपनी भाषा में। उसको खाना दिख गया ना, इसलिए आपको पूड़ी चाहिए खाने के लिए, अपना सेरेलेक नहीं खाना इसको, हमारी पूड़ियाँ खानी है गधे को। तो ये मैं बहुत बारीक बारीक करके चिड़िया की तरह बाइट 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 खाऊंगी। क्या कर रही मम्मी? मैंने हेयर पैक लगाया हुआ है गधे। आंटी बर्तन धोकर गई है, बर्तन लगा रही हूँ, फिर तेरी मैगी बनाने लगी हूँ। तू मेरा ब्लॉग कभी भी बनाना शुरू कर देना, आपको पता है मैं पीछे से आ गया एकदम। ये देखो गाइस, मैंने हेयर पैक लगा रखा और मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से नहा धोकर फिर आपसे मिलूंगी। और गाइस को बताओ, साइंस के पेपर कार्टून कितना आया था? पेपर कार्टून नहीं होता, देखो पेपर आता था तो देखो इजी लग रहा है। अब ये महाशय जी का फरमाइश है, महाशय जी की फरमाइश है कि मुझे मैगी खानी है। इससे पहले बापू ने फरमाइश की कि मुझे बिरयानी खानी है, तो उनके लिए बिरयानी बनी, अब इसके लिए मैगी बन रही है। बताओ ये फरमाइश होती है इनकी बैठे बैठे। तो मैं किचन के बर्तन लगा रही हूँ जो आंटी अभी धोकर गई हैं, तो उसके बाद अरब की मैगी बनेगी और फिर मैं नहाऊंगी और फिर मैं नहा के आपसे मिलूंगी। गाइस अभी आरव और मैं जा रहे हैं बाजार, आरव ने कुछ शॉपिंग करनी है, रक्षाबंधन आ रहा है तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, आज हमारे पास टाइम है तो अभी हम दोनों वहाँ बैठे जा रहे हैं बाजार, और देखते हैं इसे कुछ पसंद आता है क्योंकि इसकी भी नाक के नीचे जल्दी कुछ नहीं बैठता, बताऊँ तेरे को अभी। और अभी है टाइम शाम के ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं, तो हम जाते हैं बाजार में, आपसे मिलते हैं। गाइस हमने बाजार की शॉपिंग की है और अभी हम आए स्वीट्स कॉर्नर पे, और आरव देखिए क्या कर रहा है, मुझे चिढ़ा रहा था कि आप लस्सी पी रहे हो, उसको देखो पानी क्या हो रहा है, दो ग्लास नहीं मेरा तो है नहीं, जिसके हाथ में ग्लास है वही पी रहे हैं। और तेरे कुर्ते नहीं मिले ना, कुर्ते नहीं मिले ना, आज मार्केट बंद है, कर लेंगे है ना। गाइस अभी हम पहुंचे हैं घर पर बाजार से, कपड़े बदल लिए फटाफट आकर, और ब्रूनी देखो आते ही मेरी गोदी में चढ़ गया, देखिए हमारे ब्रूनी को। गाइस ये देखिए, ये भटकती आत्मा, काटा कटाई इसकी शुरू है, चाटा चटाई शुरू है, और इसको ऐसे लग रहा है पता नहीं हम कहाँ से होकर आए हैं इतनी देर बाद, तो चढ़ गया गोदी में हमारी। देखो कैसे, आप देख रहे हो कैसे काटता है ये देखो, ये देखिए कहीं पर भी काटा कटाई शुरू कर देगा, इसको सब्र नहीं होता। और सब कहते हैं बड़ा ही प्यारा है, एक नंबर का डॉगी। क्या कर रही हो मम्मी? वेलकम बैक, बना रहे हैं फिर विदाउट बोले व्लॉग चालू है, फिर विदाउट बोले व्लॉग चालू कर दिया, अब तो एग्जॉस्ट बंद कर दिया ना। हां चल ठीक है, आवाज बहुत करेगा बिल्कुल। देखिए गाइस, कैमरामैन प्लीज कम हियर, ऊपर से जाल टूट जाएगा, डम डम। गाइस देखिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल पूरी अच्छी तरह से साड़ लिया, क्योंकि एक दो बार ना साड़ा नहीं था ना खाने में। जैसे क्या बन रहा है? आलू बैंगन। तू बिरयानी खा रही हो ना, दोपहर को बनाई थी?
हींग डाली, जीरा डाला। बैंगन बिल्कुल नहीं छिलते। यू कैन टेक आलू। ये आलू और प्याज मैंने मिक्स करके काटे हुए हैं, तो ये मैंने तेल गरम है इसमें इकट्ठे ही डाल दिए, आलू भी और प्याज भी। आलू प्याज की सब्जी बना लो। बैंगन लाई हूँ ना, वो बैंगन खाने हैं, मत खाइए उसमें से। और अब हम इसे अच्छी तरह आलूओं के साथ हल्का हल्का ब्राउन करेंगे और आपसे मिलेंगे इनको हल्का सा ब्राउन करने के बाद। क्या कर रही हो आप? देख इधर, आलू हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब मैं ये बैंगन और टमाटर जो काट के रखे हैं ये एक साथ इकट्ठे डाल दूंगी, क्योंकि बैंगन जल्दी गल जाते हैं, इसलिए पहले आलूओं को 5 मिनट हमने हल्का हल्का शैलो फ्राई कर लिया। और ब्रूनो अपनी स्कूटी की तरह भागता है। हाँ, ब्रूनो हमारी स्कूटी है। अब बस हमने क्या करना है, नमक में हल्दी डाल के थोड़ा पानी डाल देना और ढक देना। बस पंजाबी रेसिपी ऑफ आलू बैंगन इज रेडी। देखिएगा, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये गया हमारा नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर। बस अब हम डालेंगे इसमें, आदम करेंगे हल्का सा पानी, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ये हमने डाला थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब हम इसको ढक देंगे और ढकने के बाद जब आलू बैंगन रेडी हो जाएंगे 10 से 15 मिनट के अंदर, तो हम आपको दिखाएंगे हमारे आज के बने हुए आलू बैंगन। आरव देख, हमारा आलू बैंगन रेडी। आज हमारा डिनर बड़ा, शक्ल तो बहुत अच्छी है, तो खा लियो ना। ये देख, आलू भी पूरे अच्छे से गल गए, बट अच्छे नहीं लगते। आलू आलू तो खा सकता है। हाँ। आलू आलू निकाल दूंगी, बट बिरयानी के साथ कौन खाएगा। हाँ, ये बात भी है। तो आज का हमारा डिनर क्या है, शुद्ध सात्विक आलू बैंगन दही कढ़ाई था और रोटी पतले पतले फुलके। तो अब ये है हमारा आज का डिनर। मंडे के दिन भी हमने बिल्कुल वेज बनाया, क्योंकि हम 2 दिन से नॉन वेज ही खा रहे हैं। और अब बन्नीस हो गया है, शुक्र है भैया। सोया बन्नी तेरा बहुत परेशान करता है सीरियसली। और अब मैं किचन में काम करती, भागा दौड़ी करा, चलिए छोड़िए। तो गाइस, हम आपसे मिलेंगे कल अपने नए ब्लॉग में। जरा आरव अब दिखाना हम क्या कर रहे हो। मेरे को हो रहे दाने, गर्मी से पिक निकल रही है। तो हम मिलेंगे आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक आती रहे। तो मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखिए। पीछे से मुझे हंसी आ रही है। चलिए, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।